हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मुझे जो क्वेरीज आती हैं उससे ऐसा लगता है कि 99.9% पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों को फिश के बाद मिल्क नहीं देना चाहिए या फिश और मिल्क साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हो जाती है एक स्किन कंडीशन जिसमें वाइट स्पॉट्स या पैचेस आपकी पूरे स्किन में हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? क्या आप ऐसा मानते हैं? मैंने अपने बेटे के साथ इस चीज़ को कैसे हैंडल किया वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखते हुए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसका लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिश और मिल्क दोनों ही इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट फूड सोर्सेज हैं बढ़ते बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि इन दोनों में ऐसा न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बच्चों की बॉडी, बच्चों की ग्रोथ, बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत ही जरूरी है। सवाल यह है कि इसको बच्चों को कैसे दिया जाए ताकि उन्हें वो स्किन कंडीशन ना हो जाए। तो अब उस स्किन कंडीशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उस स्किन कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोडर्मा, या फिर विटिल्गो के नाम से भी उसे जाना जाता है। आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ल्यूकोडर्मा या विटिल्गो का कहीं पे भी रीजन ये नहीं पाया गया है कि जिनको ये हुआ है उन्होंने फिश एंड मिल्क साथ में या एक के बाद एक इमिजिएटली कंज्यूम किया है। इनफैक्ट ल्यूकोडर्मा या विटिल्गो एक स्किन कंडीशन है जो आप ही का इम्यून सिस्टम कॉज करता है। हमारी बॉडी में पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेलानोसाइट्स। जब हमारा इम्यून सिस्टम इन सेल्स के ऊपर अटैक करता है तो ये सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस करना ही बंद कर देते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी बॉडी में डिसकलरेशन हो जाता है, यानी वाइट पैचेस आ जाते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में। इस वजह से ये स्किन कंडीशन जेनरेट होती है। इसका कहीं पे भी, मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा मिथ है जिसकी वजह से काफी लोग सही न्यूट्रिशन बच्चों को देने से डरते हैं, ये एक मिथ है। फिश और मिल्क को लेने से विटिल्गो या ल्यूकोडर्मा कॉज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि फिर टिपिकली क्यों बोला जाता है कि फिश और मिल्क को साथ में या एक के बाद एक नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिश एंड मिल्क ये दोनों ही हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं। जब आप अपनी मील में दो हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज लेते हो तो आपकी बॉडी को डबल मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपके बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो ऑलरेडी एक मच्योर होने की स्टेज पे है, जब उसको दो हैवी प्रोटीन आइटम्स मिलते हैं तो उनकी बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आप ये सोचिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चों में गैस बनती है, बच्चों को भूख नहीं लगती है। बेसिकली आप डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स देखोगे जो डाइजेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं। आपको एक इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ब्रेस्ट मिल्क भी दूध है और काउ मिल्क भी दूध है, बट ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो काफी सिंपल प्रोटीन होता है, वर्सेस काउ मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स और हैवी प्रोटीन होता है। तभी बच्चा ब्रेस्ट मिल्क को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर देता है, बट जब बच्चे काउ मिल्क शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी उसे इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। टिपिकली आपको फिश और दूध में या फिश के बाद किसी भी और प्रोटीन फूड आइटम में 2 घंटे का गैप जरूर देना चाहिए। ऐसा ही मैंने अपने बेटे के साथ किया है। हम लोग बंगाली हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बंगालीज का तो ऑलमोस्ट लाइक लंच में फिश जरूर बनती है, और मेरे बेटे को फिश बहुत पसंद भी है। हमने उसे फिश इंट्रोड्यूस कर दी थी जब वो अराउंड 8 या 9 मंथ्स का था, और तब वो ब्रेस्ट फीड भी लेता था। तो मैं क्या करती थी कि मैं उसकी मील में, जो उसकी फिश मील होती थी, और ब्रेस्ट फीड या अगर उसे फॉर्मूला लेना होता था तो मिल्क में 1.5 घंटे का तो मिनिमम एटलीस्ट मेरी कोशिश रहती थी कि मैं गैप कर दूं, जिसकी वजह से उसको डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब आपको एक मॉम हैक देती हूँ। आप स्टार्टिंग में बच्चों को फिश एज अ स्नैकर इंट्रोड्यूस करिए, मेन मील में इंट्रोड्यूस मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे दूध और सॉलिड्स के बीच में होते हैं तो उनकी काफी हैवी डिपेंडेंसी होती है कि अच्छा सॉलिड से पेट नहीं भरा, चलो दूध पी लेते हैं। अगर आप मेन मील में उन्हें फिश देते हो और बच्चे का पूरी तरह से पेट नहीं भरा और वो आपसे आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद दूध मांग रहा है क्योंकि उसे सोना है, अब आप डिलेमा में आ गए हो कि अब मैं क्या करूं, तो उससे बेटर है कि उसे मेन मील में फिश दो ही मत। उसे आप फिश दो ही एज अ स्नैकर आइटम, जो आपने बीच में दे दिया जहां उसको ऐसी दूध की नीड नहीं है और आपका भी पर्पस इन टर्म्स ऑफ गिविंग हिम द राइट न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अनदर रीजन आपसे शेयर करती हूं कि फिश के बाद इमिजिएटली दूध देने से क्यों मना किया जाता है। तो क्या होता है कि फिश में बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। कई बार हम बच्चों को नई नई फिशेज इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, जो किसी भी खाने के साथ हो सकता है, किसी भी नए खाने के साथ हो सकता है। तो अब हमने बच्चे को फिश दिया
उसके बाद हमने दूध दे दिया, हम पहले से बच्चे को फिश देते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस बार रिएक्शन आ गया। तो हमें लगा कि देखो ये तो इसी वजह से हुआ है क्योंकि फिश के बाद दूध नहीं देते, बट वो इस वजह से नहीं हुआ है, आपने मे बी बच्चे को एक ऐसी फिश इंट्रोड्यूस करी है जिसने बॉडी में एलर्जी कॉज करी है, जिस वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई है। तो कई बार ना एज पेरेंट्स हम कुछ मिथ्स की तरफ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअल रूट कॉज क्या है, तो वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। एक और मॉम हैक देती हूँ, जब आप बच्चों को फिश इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स, तो आप उन्हें फ्रेश वाटर फिश ही दीजिए, उसमें मर्क्यूरी लेवल्स बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को कोई एलर्जी होने के चांसेस या डाइजेशन प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। तो रोहू, कातला, ऐसी फिशेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रहते हो वहाँ पे लोकली फ्रेश वाटर फिश कौन सी खाई जाती है आप वो बच्चों को दे सकते हो। गाइज आई एम श्योर इस वीडियो ने आपकी मदद करी, ऐसे ही और पेरेंट्स की भी हमें मदद करनी है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शो सम लव सो दैट दिस वीडियो कैन रीच मैक्सिमम पेरेंट्स एंड हेल्प देम। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन व्हाइल यू डू सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एवरीवन।